नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है, ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के अगले ढाई वर्ष कैसे बीतने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। यह जानकारी शास्त्र सम्मत होगी। शनि की ढैया ढाई वर्ष की होती है। शनि की ढैया दो प्रकार की होती है, एक तो पहली ढैया, एक दूसरी ढैया। फर्स्ट ढैया जो होती है वो चंद्र राशि से जब भी शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं तो इसे पहली ढैया के नाम से जानते हैं। दूसरी ढैया चंद्र राशि से, आपकी राशि से जब भी शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं, इसको अष्टम की ढैया भी कहते हैं, कंटक ढैया के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरी ढैया है जो चौथे भाव में शनि का गोचर होगा। पहली जो ढैया प्रारंभ होती है ये ज्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन जो दूसरी ढैया है जब भी चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ये कंटक ढैया मानी जाती है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वृश्चिक राशि वालों की पहली ढैया प्रारंभ हो रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि के हिसाब से यदि हम देखें तो शनि का गोचर ये चौथे भाव में होगा। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी स्वयं की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर आपके चौथे भाव में होगा। शनि की तीन दृष्टियां हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं, लेकिन जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। चौथे भाव में गोचर करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि चौथे भाव में ये विराजमान रहेंगे। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, इन चीजों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर बैठे हैं और वहां से देखेंगे तो वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का। ध्यान रखना है 17 जनवरी 2023 से आपकी ढैया प्रारंभ होगी, 29 मार्च 2025 तक चलेगी। इन ढाई वर्षों में आपको किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं देना है, धन नहीं देना है। यदि आपने किसी को कर्जे में पैसा दिया तो यह पैसा आपका अटक भी सकता है, पैसा निकालने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड पर आपको किसी को भी धन नहीं देना है, कर्ज नहीं देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि यदि आपने किसी से कर्ज ले लिया तो उसको चुकाने में बहुत मेहनत होगी। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, पैरों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, पीढ़ियों में दर्द हो सकता है या फिर पूरे बॉडी में पेन हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं, आलसीपन ज्यादा आएगी, इन चीजों पर ज्यादा प्रभाव होगा। साथ ही साथ कंपटीशन में असफलता दिलाने का काम करेंगे, संघर्ष ज्यादा करवाएंगे, सफलताएं कम देंगे, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और जो आप सोचोगे वो समय पर नहीं हो पाएगा। शनि की सातवीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, कैरियर पर पड़ेगी, कैरियर में भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, नौकरियों में बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बना देंगे। जिन लोगों की पत्रिका में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है उन लोगों को ज्यादा समस्याएं होंगी, नौकरी छूट सकती है, नौकरी बार बार चेंज करना पड़ सकता है, स्टेबिलिटी यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, मानसिक स्थिति आपकी खराब होगी, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी, मन आपका बहुत ज्यादा विचलित रहेगा और काम काज पर आपका मन नहीं लगेगा। तो कारोबार पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो कारोबार में भी यहां पर नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आपकी पत्रिका में शनि ज्यादा ही खराब है तो यहां पर ज्यादा स्थिति आपकी खराब हो सकती है, और यदि आपकी पत्रिका में शनि
अच्छी स्थिति में है तो यहां पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि यदि स्व राशि के हो, उच्च राशि के हो, या फिर अपनी मूल त्रिकोण की राशि के हो, मित्र राशि के हो, तो यहां पर लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं करते। लेकिन वही शत्रु राशि के हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, त्रिकर भाव में बैठे हो, तो ऐसे में ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ढाई वर्ष आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। नौकरी में आपको सचेत रहना है, नौकरी बार बार चेंज नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, और अपने बॉस के साथ संबंध मधुर बना के रखना है। शनि की दशम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, आपका स्वास्थ्य बार बार खराब होगा, कॉन्फिडेंस आपका कमजोर होगा, कार्य करने की क्षमता कमजोर होगी, और कहीं ना कहीं जो है आलसीपन जरूर आएगी। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, अपने वाणी पर भी विशेष ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन जिन पत्रिकाओं में शनि की स्थिति बढ़िया है, उनको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार उनका बढ़िया होगा, और कार्य क्षेत्र उनका मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति उनकी बढ़िया होगी। लेकिन जिन पत्रिकाओं में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है, उन लोगों पर ये बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने पत्रिका के अनुसार से उपाय जरूर करें। अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में। उपाय आपको क्या करना है, शनि के बीज मंत्र का जप करना है। बीज मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। उसके साथ ही साथ आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय प्रतिदिन करें। यदि आपको लगता है कि आप पर शनि का बुरा प्रभाव है, तो ये उपाय जरूर करें। शनि की ढैया प्रारंभ होने से 3 महीने पहले उसका असर प्रारंभ हो जाता है। यदि आपके ऊपर बुरा प्रभाव का असर होने लगा है, तो आपको कहीं ना कहीं काम काज में कम मन लगेगा, नौकरी में समस्याएं पैदा होने लगेगी, मनमुटाव की स्थिति बनेगी, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को लगेगा, और आपके पैरों में पीढ़ियों में दर्द होना प्रारंभ हो गया होगा। या तो आपको नींद ज्यादा आ रही होगी, या फिर नींद नहीं आ रही होगी, ये भी स्थिति बन सकती है। यदि ये सब स्थितियां बन रही हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, और ये प्रभाव बुरा है, इसलिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया 29 मार्च 2025 तक चलेगी और काफी कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं। कर्मों को सुधारने का प्रयास करें, गलत काम बिल्कुल ना करें, शराब का प्रयोग ना करें, मांस का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोले, प्रयास ये करें कि धर्म के क्षेत्र पर आप लगे रहें। यदि आप सोशल वर्क करेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, तो आपके कर्म में सुधार होगा, क्योंकि कर्मदाता शनि है, न्याय करते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893900।